हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजीव फ्रॉम RajTech। आज हम देखेंगे कैम्पटेसिया 9 में मतलब कोई भी आपका एप्लीकेशन में अगर ऐप क्रैश होता। देखिए, मैं एक्चुअली मेरा एक वीडियो एडिट कर रहा हूँ, उस करने के टाइम पे एक ऐप क्रैश हो गया। ठीक है, कैम्पटेसिया 9 में मैं कुछ वीडियो एडिट कर रहा हूँ, उस टाइम पे ऐप क्रैश हो गया। और देखिए, इधर ऐप क्रैश दिखा रहा है और कुछ DLL फाइल में इशू हो गया, तो इसके लिए इसका भी एक रिकॉर्ड कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कैसे करें, तो देखिए मैंने 2-3 बार हो गया, इसलिए नहीं तो चल जाता। तो क्या करना होगा आपको, पहले तो जो एप्लीकेशन ऐप क्रैश हो जाता उसको पहले बंद करना होगा। कैसे बंद करना है, आपको राइट क्लिक करना है, उसके बाद स्टार्ट टास्क बार। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो एप्लीकेशन है ये नॉट रेस्पॉन्डिंग दिखाएगा। देखिए कैम्पटेसिया 9 नॉट रेस्पॉन्डिंग। ठीक है, आपको सिंपली राइट क्लिक करना है, गो टू प्रोसेस में जाना है। ये जो प्रोसेस है, देखिए दो प्रोसेस चल रहा है, एक मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ कैम रिकॉर्डर.exe और कैम स्टूडियो। तो ऐप क्रैश हो गया कैम स्टूडियो.exe, तो उसको राइट क्लिक करना है, एंड प्रोसेस में क्लिक कर देना, एंड प्रोसेस। तो जो प्रोसेस चल रहा जो नॉट रेस्पॉन्डिंग हो गया वो चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, उसके बाद क्या करना होगा आपको, जो टेम्पोरली फाइल है उसको डिलीट करना है, प्रीफेस फाइल डिलीट करना है। तो मैं टेम्प फाइल को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, टेम्प में जाकर कुछ ऐप क्रैश बहुत वजह से हो सकता, टेम्पोरली कुछ इशू से हो सकता। आप पहला काम क्या करना है, आपको सब टेम्प फाइल को डिलीट कर देना है। ठीक है, टेम्प डिलीट कर देना है, उसके बाद देखिए टेम्प, ये जो दो टेम्प है इसको आप सिर्फ डिलीट कर दीजिए। ठीक है, देखिए कैम्प रिकॉर्ड जो है 2A नहीं डिलीट होगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस अभी चल रहा है, जो प्रोसेस चल रहा है वो नहीं डिलीट होगा। ठीक है, इसको स्किप कर दीजिए। ठीक है, तीसरा आपको प्रीफेज में जाना होगा, तो विंडोज आर करना है PREFETCH प्रीफेज, ओके कर देना है, कंटिन्यू, कंट्रोल ए, सबको सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, डिलीट, यस, हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं दोबारा जो कैम्पटेसिया 9 में इशू हो रहा था उसको फिर से ओपन कर लेता हूँ, तो उसको क्लिक कर दिया। देखिए योर लास्ट प्रोजेक्ट क्लोज अनएक्सपेक्टली, तो बोल रहा है लास्ट में वो ठीक ठाक नहीं बंद हुआ। इसके लिए अगर मेरा जो ऑटो सेव है, कैम्पटेसिया 9 में एक ऑटो सेव प्रोसेस होता है, तो मैंने उसको चालू करके रखा, तो वो ऑटो सेव हो गया, उसको ओपन करना है। तो मैं ओपन में क्लिक करने के बाद वो जो मैंने जिस टाइम पे काम करने के टाइम पे जो प्रॉब्लम हुआ उसी टाइम पे वो रोल बैक करके आ जाएगा। ठीक है, तो ऑटो सेव होगा, देखिए मेरा एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ तो आ गया। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम होगा कोई भी एप्लीकेशन में, तो जो प्रोसेस है इसको फॉलो कर लीजिए। ठीक है, और रिसाइकल बिन को इरेज कर दीजिए, तो टेम्पररी फाइल ज़्यादा होने से ये प्रॉब्लम हो जाता। ठीक है, अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको अनइंस्टॉल कर देना है। कैसे अनइंस्टॉल कर देना है, आपको कोई भी वर्सन में आप स्टार्ट में क्लिक कीजिए, उसके बाद रन सर्च कर लीजिए। ठीक है, तो रन में आ जाइए, उसके बाद लिखिए AWPWIZ.CPL करके ओपन कर दीजिए। जो आपका जो एप्लीकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है उसको सर्च कर लीजिए। तो मेरा कैम्पटेसिया, देखिए कैम्पटेसिया 9, सिंपली इसको राइट क्लिक करना है, अनइंस्टॉल बटन में क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पूछेगा टर्म्स एंड कंडीशन, करने के बाद आपको सक्सेसफुली अनइंस्टॉल हो जाएगा। उसको सिस्टम को एक बार रिबूट कर लीजिए, उसके बाद दोबारा उसको इंस्टॉल कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने देखा कैसे अगर ऐप क्रैश होता आपका विंडोज़ में कोई भी वर्सन में, विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, ठीक है, उसको ये जो प्रोसेस है इसको फॉलो कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर